हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू पवनपुरी पिट स्टॉप एंड टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो ऑन बैडमिंटन। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में, और टाइटल देख के आपको समझ में आ गई होगी कि आज हम रिव्यू करने वाले हैं विक्टर एरोपावर 6000 बैडमिंटन रैकेट की। तो इस रैकेट के स्पेशल फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे यूज़ किया है विक्टर ने नैनोटेक टेक्नोलॉजी का फ्रेम और शाफ्ट को बनाने में, और हम आगे देखेंगे कि एग्जैक्टली इस टेक्नोलॉजी का क्या बेनिफिट है। और वहीं जो दूसरा स्पेशल फीचर है वो है पावर फ्रेम। तो यहाँ पे क्योंकि ये पावर बॉक्स सीरीज़ का रैकेट है तो डेफिनेटली जो फ्रेम है उसकी स्ट्रेंथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए, और इस रैकेट में पावर भी काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए ऐसा हमें लगता है। तो ये फाइंड आउट करेंगे रिव्यू में आगे, लेकिन उससे पहले बिना टाइम वेस्ट किए चलिए जल्दी से देख लेते हैं इस रैकेट के की फीचर्स को। बात करें अगर हम फ्रेम और शाफ्ट की तो हाईटेक ग्रेफाइट का जो है यूज़ किया गया है फ्रेम और शाफ्ट दोनों को बनाने में। तो बात करें अगर हम रैकेट की फ्लेक्सिबिलिटी की तो ये रैकेट जो है मीडियम फ्लेक्सिबल रैकेट है, और पता नहीं बार बार ये रैकेट जो है मुझे 0.7 DG की याद क्यों दिलाता, काफ़ी सिमिलर है ये। और वहीं रैकेट जो है 3U G5 कैटेगरी का है, मतलब 85 से 89.9 ग्राम्स और बिना स्ट्रिंग्स और बेसिक ग्रिप के साथ प्रिसाइज 87-88 ग्राम्स है ये रैकेट। और वहीं G5 ग्रिप है जो सबसे छोटी या सबसे मोटी, जैसा भी आप इसे कहना चाहें। और बात करें अगर हम रैकेट की लेंथ की तो वो है 675 mm प्लस माइनस 2 mm। बात करें रैकेट की शाफ्ट की तो शाफ्ट जो है वो है 7 mm थिक, और वहीं मैक्सिमम स्ट्रिंग टेंशन ये रैकेट की जो है वो है 35 lbs, और रैकेट जो है वो है हेड हैवी। तो बात करें इस रैकेट की स्ट्रिंग की तो यहाँ एक बात बताना चाहता हूँ मैं आपको, ये इमेजेस में आप देख सकते हैं कि इस रैकेट में पहले से ही विक्टर ने अपनी VBS 70 जो इक्विवेलेंट है BG 65 जो है 0.7 mm की, उसकी इक्विवेलेंट है। हालांकि स्ट्रिंग टेंशन जो है मुझे लगता है 22-23 से ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये चीज़ बहुत अच्छी है कि क्योंकि पहली प्रोफेशनल स्ट्रिंग जो है आपके इसमें डली हुई है, तो एज एन इंटरमीडिएट लेवल आपको इस चीज़ की परेशानी होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस रैकेट को लीजिए और आप खेलना शुरू कर सकते हैं। तो बात करें अगर रैकेट की प्राइसिंग की तो रैकेट जो है वैसे ऑन एन एवरेज 2400 रुपये से आपको मिल जाएगा, हालांकि बहुत बार मैंने इसकी प्राइसिंग देखी है 2100 रुपये से 2700-800 रुपये के बीच में फ्लक्चुएट करती है। तो जो मैं लिंक्स आपको शेयर करूँगा लेटेस्ट, वहाँ एक्सप्लोर करके आप लोग जो है ढूंढ सकते हैं। और अगर मैं भूल गया बताना तो रैकेट जो है वो है मेड इन चाइना। वहीं दोस्तों वीडियो में अगर आपको कोई भी चीज़ अच्छी लगे, कोई भी पार्ट अच्छा लगता है तो आप लाइक बटन जो है वो ज़रूर दबाया कीजिए। हालांकि G5 G4 में बहुत ज़्यादा बेसिक योनिक्स की। तो दोस्तों बात करें फ्रेम और शाफ्ट की टेक्नोलॉजी की तो नैनोटेक टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है इस रैकेट में। अब ये होती क्या है, एक्चुअली जब आप कार्बन फाइबर से फ्रेम और शाफ्ट को बना रहे होते हैं तो कंप्लीट होने के बाद बहुत सारे वेकेंट स्पॉट्स, पोर्स या छेद या इनकम्प्लीट एरियाज़ मिलते हैं। तो उसमें क्या करते हैं ये लोग, एक एपॉक्सी रेजिन, मतलब एक तरह से ग्लू कह सकते हो आप, वो नैनो पार्टिकल्स के साथ मिक्स करके उन जो एम्प्टी स्पेसेस हैं उनको ये भरते हैं। तो उससे क्या है, रैकेट में स्ट्रेंथ आती है, ड्यूरेबिलिटी आती है, स्टेबिलिटी आती है, और स्टिफनेस जो है शाफ्ट में आ जाती है। क्योंकि स्टिफनेस क्या है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि अगर शाफ्ट आपकी बहुत सॉफ्ट होगी तो बहुत ज़्यादा स्मैशेस लगा रहे हैं अगर आप, तो सॉफ्ट ये होने से कई बार रैकेट के टूटने के चांसेस हो जाते हैं थोड़े। और स्टिफनेस होने का फ़ायदा दूसरा ये है कि आपकी शॉट्स जो हैं वो एक्यूरेट रहती हैं, बाउंसी नहीं रहती, ना ही वॉबली रहती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, और नैनोटेक टेक्नोलॉजी का ये यूज़ किया है विक्टर ने इस रैकेट में, और तभी इस रैकेट की टेंशन जो है 35 lbs, मतलब काफ़ी हाई है। तो वहीं बात करें रैकेट की डायनामिक कंटूरिंग की तो यहाँ तक है, मतलब यहाँ से आप देखें लेड शुरू होता है तो हेड हैवी है, तो हर कंपनी का अपना डिज़ाइन होता है। तो बात करें रैकेट की परफॉर्मेंस की तो 3U कैटेगरी का ये रैकेट है, 0.7 DG और वुड्स कार्बोलाइट की रेंज का ये रैकेट है, लेकिन ये रैकेट मुझे फिर भी 0.7 DG से काफ़ी क्लोज लगा, काफ़ी सिमिलर लगा। और वहीं इसमें जो स्मैशेस हैं, थर्ड लाइन क्लियर्स हैं, वो बहुत ही बढ़िया थी। वैसे ही देखिए 3U कैटेगरी है ऐसी, अगर आपके पास हेड हैवी रैकेट है तो थर्ड लाइन क्लियर जो स्मैशेस जो हैं वो आपकी बहुत अच्छी होने वाली है। लेकिन एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी इस रैकेट की वो थी कि ये रैकेट वैसे तो मीडियम फ्लेक्सिबल है, लेकिन नेट के पास मुझे इसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी लगी। मतलब जो आपके पुशेस थे या सिर्फ टॉसेस थे
मतलब बहुत ज़्यादा बाउंस नहीं कर रहे थे, बहुत ज़्यादा इधर उधर नहीं जा रहे थे, बिल्कुल ऑलमोस्ट एक्यूरेट जहाँ आप बाउंस करा रहे हैं वहीं जा रहा था। तो ये चीज़ मुझे इस रैकेट की बहुत अच्छी लगी। तो इन केस अगर मेरे पास 0.7 DG मुझे अवेलेबल नहीं है या कॉस्टली है, तो मैं डेफिनेटली इस रैकेट को ऑप्ट करने में झिझकूंगा नहीं, क्योंकि ये रैकेट ऑलमोस्ट वही कैटेगरी का है, वैसी परफॉर्मेंस है। और सबसे बड़ी बात मैंने पहले बताई आपको, इसमें अपनी विक्टर की स्ट्रिंग डली हुई है, तो आपको एक्स्ट्रा कुछ खर्चने की ज़रूरत नहीं है। वहीं परफॉर्मेंस की बात को आगे बढ़ाएं अगर हम, तो इस रैकेट की जो ओवरहेड क्लीयरेंस है मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि वैसे तो मिड फ्लेक्स है ये रैकेट, लेकिन उसके बावजूद आपको बहुत अच्छा स्विंग मिल जाता है ओवरहेड क्लीयरेंस के लिए। वहीं अगर आप बात करें डिफेंस की या रिपल्शन की, तो रैकेट ना ज़्यादा हैवी है ना ज़्यादा लाइट है, बिल्कुल बहुत अप्रोप्रिएटली जो है वो बैलेंस्ड है। तो आपको अच्छी रिपल्शन मिल जाती है जब उसकी ज़रूरत होती है, और वहीं डिफेंस भी आपको बहुत अच्छा मिलता है। तो अगर बात करें कि किस तरह के कैटेगरी के प्लेयर्स को जो है ऑप्ट करना चाहिए, तो मेरे हिसाब से डबल सिंगल्स आप आराम से खेलने वाले प्लेयर हैं, बहुत फास्ट खेलने वाले, अटैकिंग हैं, हर तरह के प्लेयर को ये रैकेट जो है सूट करेगा। यहाँ एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि वैसे तो मीडियम फ्लेक्सिबल शाफ्ट है, लेकिन वहीं एक स्टिफनेस भी मेंटेन्ड है, जिससे कि जो आपकी स्मैशेस या शॉट्स हैं वो एक्यूरेट रहें। अच्छा, 3U कैटेगरी का रैकेट क्या है कि भाई 88-87 ग्राम्स का होता है, तो आप ग्रिप चढ़ाते हैं, एक्स्ट्रा स्ट्रिंग चढ़ाते हैं, तो वेट कुछ 95-100 ग्राम्स के आसपास चला जाता है, तो लगता है बहुत हैवी रैकेट है, लेकिन रैकेट में वो हैवीनेस नहीं है। मतलब वो हैवीनेस है जो आपको स्मैशेस आपकी एकदम थर्ड लाइन तक पहुंच जाएंगी और बहुत अटैकिंग रहेंगी, वहीं इसको आप उठा के जो मूव करेंगे तो आपका जो एजिलिटी है, क्विकनेस है इसकी, वो आपकी बिल्कुल बरकरार रहेगी। तो बात करें अगर हम स्ट्रिंग्स की और स्ट्रिंग टेंशन की, तो 35 LBs मैक्सिमम स्ट्रिंग टेंशन है, किसी भी तरह की स्ट्रिंग्स डालिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आपकी ये जो विक्टर की अपनी जो है VBS-70 ख़राब हो जाए, तब आप दूसरी डाल सकते हैं, और अगर आपको नहीं पसंद आती है वाली स्ट्रिंग, तो आप डेफिनेटली डायरेक्टली जा करके एकदम से इसको चेंज कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा 10-15 दिन इसको खेल लीजिएगा, ताकि थोड़ा फ्रेम जो है खुल जाए, तो उसमें यह है कि डैमेज होने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। तो वहीं अगर रैकेट की ऑथेंटिसिटी आपको चेक करनी है, तो यहाँ पे ये देखिए बारकोड्स हैं, कुछ नंबर्स हैं, यहाँ पे भी बारकोड है, तो इनका यूज़ करते हुए आप विक्टर की जो इंडिया की साइट है उस पर जा करके आप इस रैकेट की ऑथेंटिसिटी चेक कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ने से पहले देखते हैं इसका टेस्ट। मेरा फाइनल वर्डिक्ट कुछ ऐसा है, जहां पावर को दिया है 8.1, परफॉर्मेंस को दिया है 8.2, थर्ड लाइन क्लियर को दिया है 8.1, कंट्रोल को 8.1, और वहीं ड्यूरेबिलिटी को भी दिया है 8.1। तो दोस्तों ये तो थे मेरे एक्सपीरियंस और मेरा रिव्यू। वहीं मैं जानता हूं आप लोगों के पास हो सकता है ये रैकेट हो पहले से, या आपके अपने एक्सपीरियंसेस हों इस रैकेट के साथ, तो कमेंट सेक्शन में शेयर ज़रूर कीजिएगा। और तब तक अच्छी अच्छी सेहत रखिए, अच्छी अच्छी वीडियोस देखिए, कोरोना से बचे रहिए, और मास्क ज़रूर लगाइए, डिस्टेंस ज़रूर बना के रखिए, और तब तक हैव अ ग्रेट डे।